महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चांद से मारने की धमकी मिली है। खुफिया विभाग को मिली जानकारी के अनुसार आत्मघाती विस्फोट के जरिए हत्या करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल महीने भर पहले भी सीएम एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मंत्रालय के उनके दफ्तर में आया था। साथ ही उनके कार्यालय में फोन पर भी उस तरह की धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को माओवादियों की तरफ से पहले ही जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री शिंदे को किसने धमकाया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। खुफिया विभाग को जानकारी मिली है कि आत्मघाती विस्फोट कर मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही है। वहीं पहले की धमकी के बाद खुफिया विभाग ने जांच शुरू कर दी थी। उसके बाद यह अहम जानकारी खुफिया विभाग के संज्ञान में आई है। खुफिया विभाग को जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री को आत्मघाती विस्फोट कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस धमकी के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय, वर्षा के आवास और मुख्यमंत्री के परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। महाविकास आघाड़ी सरकार में गढ़चिरौली के संरक्षण मंत्री रहते हुए भी एकनाथ शिंदे को नक्सलियों ने धमकी दी थी। शिंदे को मारने की साजिश तब रची गई थी जब वह आषाढ़ी एकादशी के वक्त पंढरपुर के दौरे पर थी। इस बीच इस तरह नक्सलियों के खिलाफ एक्शन मुख्यमंत्री ने लिया है, उसकी वजह से एकनाथ शिंदे की जान को खतरा बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, UV इंडिया न्यूज़।